ठीक है। अ फार्मर हैज अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर ही वॉक्स, वो कैसे चलता है? ठीक है, ही टेक्स अराउंड ऑफ फील्ड कितनी देर में? इन 40 सेकेंड। इफ ही मूव्स फॉर 2 मिनट 20 सेकेंड देन फाइन। फ्रॉम वन वर्टेक्स से चल रहा है, फ्रॉम वन वर्टेक्स से चलना शुरू करता है, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड। दूसरा चीज है, एन एथलीट टेक्स ए राउंड ऑफ ए सर्कुलर फील्ड, तो बुक का ही एक क्वेश्चन है। तो एन एथलीट टेक्स अ राउंड ऑफ सर्कुलर फील्ड ऑफ, जिसका डायामीटर कितना है? डायामीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। इन 40 सेकेंड इफ ही मूव्स फॉर 2 मिनट 20 सेकेंड देन फाइंड डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर एंड। इसी चीज है, अ सिग्नल इज सेंड फ्रॉम सैटेलाइट टू अर्थ स्टेशन इन 5 मिनट्स इफ सिग्नल हैज ट्रेवल्ड विद स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड देन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट एंड अर्थ स्टेशन नाउ अब्दुल मूव्स goes from home to school with speed, उसकी अपनी एक स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर एंड कम्स बैक टू होम विद स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। नाउ फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल ड्यूरिंग हिज ट्रिप travels 16 meter in 4 seconds and next 16 meter in
two second. Find the average speed of object of object if initial speed of object is 2 meters per second and it accelerates. इसने अपनी स्पीड बढ़ा दी एंड विद इन 4 सेकेंड इट्स स्पीड बिकम्स 10 meter per second देन फाइंड इट्स एवरेज स्पीड इट्स average speed and acceleration. A bus starts from rest and after half an hour it attains a speed of 40 kilometer per hour. Find its average speed, acceleration in kilometer per hour and acceleration मीटर पर सेकंड। अब देखो मैं ये सभी सवाल कराता हूँ, जानना समझ में पूछ लेना, फिर एक साथ सब करना। देखो पहला सवाल देखो, अ फार्मर हैज ए स्क्वायर फील्ड, तो एक फार्मर की स्क्वायर फील्ड है, फिगर भी बनाना है ए बी सी डी और उसकी साइड कितनी है 10 मीटर, वो इसका एक राउंड 40 सेकंड में कवर कर लेता है और वो कितनी देर चलता है बताओ। सो ही मूव्स फॉर 2 मिनट 20 सेकंड, सो दैट इज इक्वल टू 2 × 60 सेकंड और प्लस, तो 120 सेकंड और प्लस, तो 140 सेकंड चला। नंबर ऑफ राउंड्स नोए क्या फार्मूला होगा कि कितने चक्कर लगाए, नंबर ऑफ राउंड्स बताइए। वैसे बताओ मायम किसका फार्मूला क्या है सर, टोटल टाइम बाय टाइम टेकन इन वन राउंड। हां सो टोटल टाइम कितना लिया 147 और डिवाइडेड बाय टाइम टू कंप्लीट वन राउंड, कंप्लीट वन राउंड, सो दैट इज इक्वल्स टू 140 सेकंड और 40 सेकंड उसने लिया एक चक्कर लगाने में पर राउंड, 40 सेकंड पर राउंड, तो ये राउंड ऊपर चला जाएगा, जीरो से जीरो कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया, और इसको काटो 7/2, तो 7/2 राउंड हो गया, दैट इज 3.5 राउंड। इफ ही स्टार्ट्स फ्रॉम ए, तो एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर और हाफ, तो आफ्टर 3.5 राउंड वो कहां पे आ जाएगा, सी पर आ जाएगा। इफ ही स्टार्ट्स फ्रॉम ए, देन चाहे वो क्लॉकवाइज चले चाहे एंटी क्लॉकवाइज, वो सी पे ही पहुंचेगा 3.5 चक्कर के बाद, देन आफ्टर 3.5 राउंड्स ही विल बी और शी विल बी एट सी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट इज एसी, तो हम एसी निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, इन ट्रायंगल एबीसी तो एसी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस बीसी स्क्वायर जो कि 10 स्क्वायर और प्लस, तो 100 प्लस 100 हो गया,
तो ये 200 हो गया, तो फिर एसी क्या हो गया, क्या रूट, रूट 200 को क्या सुहाना 2√10 लिखा जा सकता है? Yes, ठीक है, सो दैट इज 2 × 10 × 10। आप उसको मिसगाइड कर रहे थे ना, आपने यस बोल के सोचा कि वो गलत बोल दे फिर मैं सही दे दूंगा, ऐसा मत, ठीक है कि नहीं? तो अब 2 10 हो गए, और 10 बाहर निकाल लो, 10√2 मीटर, बोलो समझ में आ गया? तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 10√2, बोलो समझ में आ गया पूरा? चलो अब हम अगला देखते हैं, एथलीट टेक्स ए राउंड, नाउ ओके सेकंड क्वेश्चन, एथलीट चक्कर लगाता है सर्कुलर फील्ड का एंड सर्कुलर फील्ड का डायमीटर कितना है? 200 मीटर है, वो कहीं से भी चले, मान लो यहीं से चल रहा है, तो अब यहां पर टाइम टेकन कितना हो गया, इट इज इक्वल टू 2 मिनट 20 सेकंड, दैट इज 2 × 60 सेकंड प्लस 20 सेकंड, दैट इज इक्वल टू 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड, दैट इज 140 सेकंड। तो नंबर ऑफ राउंड्स निकाल लीजिए, नंबर ऑफ राउंड्स का नोएल क्या फार्मूला है? चलो कोई बात नहीं, आप हाँ बहुत अच्छा, दैट इज टोटल टाइम बाई टाइम टू कंप्लीट वन राउंड, तो ये चीज कितना हो जाएगा 140 सेकंड, और नीचे क्या 40 सेकंड पर राउंड, पर राउंड, तो पर राउंड ऊपर चला जाएगा, और सेकंड से सेकंड कट गया, और जीरो से जीरो कट गया, और टू से इसे कटो, तो 7/2 आया, 7/2 राउंड कितना होता है 3.5 राउंड, तो मान लो वो ए से स्टार्ट करे, तो एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर और आधा चक्कर, तो बी पे चला जाएगा कि नहीं? If he starts from A, तो वो diametric opposite point में पहुंच जाएगा। So, if he starts from A, then after 3.5 rounds, he will be at B, the diametric opposite point. Now, ये मुझे बताइए नोएल टोटल डिस्टेंस कवर्ड का क्या फार्मूला लिखे हैं? भाई 3.5 चक्कर लगाए हैं उसने, अगर 3.5 चक्कर लगाए हैं तो कुछ आइडिया लग रहा है? स्पीड अपॉन टाइम, ठीक बात है। दिव्या बोलो, अगर मान लो उसने 2 चक्कर लगाए होते तब तुम क्या करती? हाँ भी मैं काफी पास आ रहा, इनसे एक दो लोगों से पूछ लें। अच्छा अमन आप बताओ, अब मैं इनका बताइए, सर्कल प्लस नंबर ऑफ राउंड्स, ठीक है। आपकी सिस्टर का नाम अमीशा है ना? मेरा भाई है। भाई, भाई का क्या नाम है? ओके, अभी देखो सो इनका क्या है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड, सुहाना क्या लिखो, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बोलो, सुन, मतलब जैसे मान लो 3 चक्कर लगाए होते तो क्या नंबर ऑफ राउंड्स इनटू सर्कमफेरेंस ना करती? एक चक्कर में एक सर्कमफेरेंस कवर होती कि नहीं? तो 2 चक्कर में 2 × दिस, और एन चक्कर है तो नंबर ऑफ राउंड्स इनटू सर्कमफेरेंस होगा कि नहीं? मान लो जैसे एक एक सर्कमफेरेंस है 10 मीटर की, और तुमने 10 चक्कर लगा लिए, तो क्या 10 × सर्कमफेरेंस नहीं करोगे? एक चक्कर जितने का भी हो तो 10 चक्कर में कितना चलोगे बोलो, इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या फार्मूला हुआ? सही है, तो नंबर ऑफ राउंड्स क्या होगा, नंबर ऑफ राउंड्स इंटू
सर्कम नंबर ऑफ राउंड कितने हैं? 3.5 या 7/4। सर्कमफेरेंस कितनी है? क्या अभी नहीं निकाली है? तो ऊपर निकाल लो, सर्कमफेरेंस 2πr होती है, तो 2 × 22/7 r कितना है? 100। तो रेडियस भी निकाल लीजिए, डी बाई 200 अपॉन, तो क्या 100 मीटर हो गया? अब इससे कुछ बन रहा है? कितना बन रहा बताओ? 4400/7 मीटर बन रहा है क्या? सही है। तो मैं यहाँ कितना लिखूं सर्कमफेरेंस? देखो सर्कमफेरेंस 2πr किया कि नहीं, 2πr। r समझ में आया? जब 200 इसका डायमीटर तो r कितना हुआ? 100 हो गया। 100 भी लिख दिया, सबको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा बताओ? 4400/7। क्या 7 से 7 कट गया और 2 से कटा तो क्या हुआ? 2200। तो ये 2200 क्या आ गया? मीटर आ गया। ओके, अब नेक्स्ट देखिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ए बी, और ए बी कितना हुआ? 200 मीटर। बोलो बात समझ आ गई? पहला दूसरा सवाल करके दिखाओ, नोट कर लो। से क्या होगा ना, फिर आपको ये इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं रख के आप कर सकते हो ना। ऑन करो फोन। इतने में भी ठीक रहेगा, नहीं होना था। मैं अपने फोन से करके दे दूं? नहीं सर, बोले सो सिग्नल इज सेंड फ्रॉम स्पेसशिप। तो स्पेसशिप से अर्थ सिग्नल आया, तो दिस इज स्पेसशिप, और इससे सिग्नल आ रहा है, तो ये सिग्नल यहां आया। अब कितने टाइम में आया? 5 मिनट। तो टाइम टेकन इज, हाँ ले रहा हूं, टाइम टेकन 5 मिनट है। 5 मिनट को कन्वर्ट करो, जमा करो। सो 5 मिनट है और स्पीड क्या है, इसको पहले सेकंड में कन्वर्ट कर लो, दैट इज 300 सेकंड हो गया। और बोलो स्पीड कितनी है लाइट की, जिस स्पीड से ही आया? 10^8 मीटर पर सेकंड है। और एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें डिस्टेंस ही पूछी गई है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी बोलिए? ये चीज इधर ले आओ, टाइम इधर ले आओ, एवरेज स्पीड। हाँ बोलिए अमन, टाइम इंटू स्पीड हो गया कि नहीं? एवरेज स्पीड कितनी है? हाँ बोलो, सही है भाई, ये तो आपको मालूम है ना, एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हुआ? स्पीड इंटू
टाइम हुआ, स्पीड कितनी है 3 × 10⁸ और टाइम कितना है 300। ये चीज मीटर पर सेकंड में है और ये किस में है 300 सेकंड में। तो क्या सेकंड और सेकंड कट जाएंगे और चीजें किस में आ जाएंगी। सो अब ये 3 × 3 तो क्या 900 हो जाएगा और 10⁸ मीटर। अब इसमें 100 इस पे चढ़ा दो, एक्सपोनेंट पे चढ़ा दो, तो 100 अगर इस पे एक्सपोनेंट पे चढ़ेगा तो 8 + 2 नहीं हो जाएगा, तो 9 × 10⁰ मीटर। ये डिस्टेंस है, आपको कंक्लूड भी करना पड़ेगा। सो डिस्टेंस बिटवीन स्पेस स्टेशन मतलब सैटेलाइट एंड अर्थ स्टेशन, अर्थ पे एक स्टेशन बना हुआ है इस, तो किसके किसके बीच में डिस्टेंस हुई थी सैटेलाइट एंड अर्थ स्टेशन। सो डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट एंड अर्थ स्टेशन इज 9 × 10⁰ मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, अब्दुल गोज फ्रॉम होम टू स्कूल। तो मान लीजिए ये होम है और ये स्कूल है, तो होम से स्कूल की डिस्टेंस को मैं एक्स किलोमीटर ले लूं। सो लेट डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल इट इज इक्वल्स टू एक्स किलोमीटर। पूरा ट्रिप क्या कह रहा है कि जाना और आना, तो गया 20 km/h से, मान लो अगर 60 km ही डिस्टेंस होती कितनी होती बोलो। जैसे स्कूल है, ये होम है और ये स्कूल है, तो अगर इनके बीच 60 km डिस्टेंस होती और वो जा रहा है 20 km/h से, तो श्रेया वो कितने घंटे में स्कूल पहुंच जाता, आधे घंटे में या कितने। हाँ ये ठीक बता रहे हैं, तो सुहाना वो कितने घंटे में स्कूल पहुंच जाता, 3 घंटे में। और आया अगर वो 30 km/h से तो कितने घंटे में लौट आता, 2 घंटे। तो कितना घंटा लग जाता इसको, 5 घंटा लग जाता। और उसने कितनी डिस्टेंस कवर की होती, 120। बहुत अच्छा, क्योंकि 60 गया और 60 आया तो 120। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से भी आंसर कितना आएगा, 5 × 2 = 10 और 5 × 4 = 20, तो भी तो 24 ही आएगा। यानी ये डिस्टेंस पे बिल्कुल भी निर्भर नहीं है कि डिस्टेंस कितनी थी, आप कितना भी ले लो आंसर कितना आएगा 24 km। और वो बात समझ में आ गई कि नहीं, वही हम करने जा रहे हैं। लेट द डिस्टेंस इतनी है, तो बोलो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी आने जाने में, गया एक्स और आया भी एक्स, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इट इज इक्वल्स टू 2x किलोमीटर और टोटल टाइम टेकन जाने का टाइम t1 और आने का टाइम। अच्छा टाइम का क्या फार्मूला है देवी का, आप बोलो। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्योंकि यहीं से निकाल सकते हो, टाइम वहां ले जाओ और स्पीड नीचे ले जाओ, ये पहले दोनों उधर ले जाओ मल्टीप्लाई में फिर स्पीड को नीचे ले। तो टाइम का क्या फार्मूला हुआ, तो यहाँ पे साइड में लिख लो कि टाइम का फार्मूला, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा गया है तो उसकी डिस्टेंस कितनी है एक्स, और किस स्पीड से गया देखो जरा, गया किस स्पीड से 20, आया है तो डिस्टेंस क्या है एक्स। अच्छा और किस स्पीड से आया है, ठीक है तो 20-30 का एलसीएम 60 हुआ, 20 से करो 23 या 60 और 3 से एक्स में मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया 3x, और 30 से करी 32 या फिर 2x, तो फिर ये कितना हो गया बोलो 5x/60 और फिर 5 से इसको जरा कट करो, 5 1 is 5 और 10 बचा तो 1/12 हो गया, तो क्या लिखोगे x/12 आवर हो गया, x/12 होता है यहाँ 12 बच गया,
अच्छा अब आपके पास टोटल टाइम भी है टोटल डिस्टेंस भी है, तो बताओ एवरेज। अब उसमें वो क्या पूछा है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फार्मूला दिव्य आपको पता है? टोटल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के अगेन। तो अब एवरेज इसमें टोटल डिस्टेंस क्या 2x है और उसमें किससे डिवाइड करना है, तो 2x में हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं क्योंकि फ्रैक्शन में तो डिवाइड तो है x by 12 हुआ कि नहीं। इसको क्या लिख सकते हो 2x into 12x, तो क्या x x कट गया और फिर यहाँ 24 आ गया। 24 के आगे सुहाना क्या लिखें? बोलो बोलो अमन। हाँ क्योंकि स्पीड है, किलोमीटर में थोड़े ना स्पीड होती है, अपनी स्कूटी में किलोमीटर पर आप क्योंकि नहीं, उन्होंने सिर्फ किलोमीटर बोला तो किलोमीटर में स्पीड हो जाएगी क्या? कह दो हमारी स्पीड इतने किलोमीटर है, वहाँ से वहाँ तक मेरी स्पीड है। कह दो हमारी स्पीड यहाँ से वहाँ तक है 10 मीटर की स्पीड है। इसका कुछ मतलब भी है, तुम प्रति सेकंड कितना चलते हो या पर आवर, जब तक पर आवर नहीं बोलोगे किसी को क्या पता तुम्हारी स्पीड है। कह दो मेरी स्पीड है, मैं चाहे 10 दिन में चलूँ मेरी वो स्पीड है, किलोमीटर में हो पाएगी तो इसलिए किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस कितने थी बोलो किलोमीटर में और टाइम किस में था, तो फिर बोलो क्या बनी स्पीड। आप यहीं से भी निकाल सकते हो, तो क्या चीज हो गई किलोमीटर पर। फिर यहाँ क्या लिखोगे, एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल इज 24 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड ऑफ ट्रिप क्या लिखोगे, एवरेज स्पीड ऑफ ट्रिप इज 24 किलोमीटर पर आवर। ये दो सवाल करके दिखाइए। सैटेलाइट वाला देखो, एक सैटेलाइट से सिग्नल भेजा गया और यहाँ 5 मिनट पहुंच गया, तो 5 मिनट का मतलब कितने सेकंड होता है? तो 5 मिनट है तो 5 × 60 सेकंड, 5 × 1 मिनट का तो 60 मिनट। और स्पीड क्या है, वो लाइट की स्पीड से चलता है। सिग्नल किस स्पीड से चलता है, हर एक सिग्नल चाहे हमारे मोबाइल का हो सबकी यही स्पीड होती है, सब लाइट की स्पीड से चलता है। तो ये स्पीड हो गई और ये टाइम हो गया। क्या आपको ये फार्मूला पता है, एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। और हमसे डिस्टेंस पूछी गई है, हमको स्पीड भी दी गई है और क्या हमको समय भी दिया गया है, तो ये टाइम ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या और डिस्टेंस हमें पता चल जाएगी इनके इनके बीच की। तो जरा एवरेज स्पीड लिखिए और टाइम लिखिए, सेकंड से सेकंड कटा और 3 से 300 मल्टीप्लाई करो 900 आया, 100 को इस पे चढ़ा दो तो 10^2 आ जाएगा, तो 9 × 10^10 ये इसकी क्या हो जाएगी डिस्टेंस। सही है, चलो हाँ बोलो। फोर्थ देखो कि अगर लेट डिस्टेंस अब्दुल के घर से उसके स्कूल की डिस्टेंस कितनी है, एक्स है, तो जाने में उसको एक्स लगा और आने में भी एक्स किलोमीटर लगा कि नहीं, तो एक्स किलोमीटर, जैसे मान लो 60 किलोमीटर है तो जाने में 60 और आने में 60, तभी तो 120 लिखा था, तो ये हो गई 2x। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या हो गई, और जाने में अगर उसे t1 टाइम लगा क्योंकि वो धीमे धीमे चला और आया तो बहुत फास्ट है, वो 30 किलोमीटर पर आवर से आया, तो आने में कितना समय लगा t2। तो बताओ टाइम का फार्मूला क्या होता है, यहाँ से देख के बताओ, टाइम उधर ले जाओ और स्पीड नीचे ले आओ, तो टाइम का नोयर क्या फार्मूला बना, तो देखो डिस्टेंस क्या है बोलो उसके घर से स्कूल की, एक्स, सिर्फ एक्स है, और उसकी स्पीड क्या थी जाते समय, फिर प्लस उतना समय तो जाने जाने में लगा और आने में कितना समय लगा, तब कितनी डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो नहीं बदल जाएगी ना स्कूल से घर की, तो वो भी एक से, और वापसी की स्पीड क्या थी 30, तो ये जाने का समय है और ये आने का, तो क्या ये टोटल टाइम हो गया। इस टोटल टाइम को हमने एलसीएम से इतना कर लिया, बोलो अब ये हमारा टोटल टाइम हो गया और ये टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 2x समझ में आई, जाने की एक्स और आने की एक्स, उसमें मैंने डिवाइड कर दिया टोटल टाइम से, लेकिन चूंकि डिवीजन है तो इनटू होकर के क्या पलट जाएगा, और पलट जाएगा तो फिर एक्स एक्स कट जाएगा और 24 हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। सही है, चलो करके दिखाओ।
के लिए रब कर दें। फिफ्थ क्वेश्चन इज द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकंड एंड नेक्स्ट 16 मीटर इन 2 सेकंड तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हुआ? 1 मिनट, इट इज इक्वल टू 16 मीटर और प्लस सो दैट इज 32 मीटर हो गया और टोटल टाइम टेकन लाइए टोटल टाइम पहले वाले केस में कितना था? 4 और 2 तो दैट इज 6 सेकंड तो टोटल टाइम टेकन is 4 second plus 2 second it is equals to 6 second Devika average speed ki formula bataiye theek hai so average speed is equals to total distance traveled upon total time taken total time so this is 32 meter और टोटल टाइम 6 सेकंड है तो अब इससे कट करिए 2 से दैट इज 16 और यहाँ क्या आ जाएगा 3 16 बाई 3 मीटर पर सेकंड अब 3 से इसको डिवाइड करो 16 को तो 3 5 इज 15 और फिर 1 बच जाएगा फिर क्या आएगा 3 आ जाएगा तो 5.33 मीटर पर सेकंड वरना 3 पे बार भी लगा सकते हो। आगे देखिए इनिशियल स्पीड इतनी है और एक्सीलरेट करती कोई चीज तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है तो फाइनल इतनी है एवरेज स्पीड सुहाना कैसे निकाली जाए कह रहा है कि यू कितनी है 2 मीटर पर सेकंड और वी कितनी है दैट इज 10 मीटर पर सेकंड तो मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है आप मुझे कोई फार्मूला बता दीजिए। अच्छी बात है तो एवरेज स्पीड मयंक आप बता दो ये वैसे पूरा फार्मूला क्या बतानी थी टी देखो बहुत बड़ी बात है कि एवरेज हम एवरेज स्पीड पूछ रहे हैं हम एक्सीलरेशन बता के दे रहे हैं बहुत ये डेयरिंग बात होती है जैसे किसी से स्पीड पूछी जाए वो हमें एक्सीलरेशन दे आप बताओ यही चीज है तो जैसा कनिष्का ने भी बताया है कि U प्लस वी बाई टू इन लोगों को ख्याल रहा कैसे ये बता सके लेकिन उन्होंने देखा था कि इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड अपॉन 2 ये क्या होती है एवरेज तो इनिशियल कितनी थी बताओ 2 और फाइनल कितनी थी और बाय 2 तो कितनी हो गई 12 बाय 2 तो 6 और यूनिट क्या होगी अरविंद मीटर पर सेकंड ठीक है तो 6 मीटर पर सेकंड अगली चीज क्या पूछ रहा है अब एक्सीलरेशन अच्छा अब एक्सीलरेशन की बात कही गई है तो अब आपकी आपकी बात मानी जाएगी क्योंकि एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है एक्सीलरेशन क्या होता है v माइनस यू बाई तो v कितना है बोलो देन u कितना है हाँ बोलो एवरेज वेलोसिटी है लेकिन अगर एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वही एवरेज स्पीड मानी जाती है मान लो वो एक ही डायरेक्शन चल रहा है तो कोई कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी सो देन बोथ बिकम सेम इट इज इन ए स्ट्रेट लाइन मोशन समझ नहीं पा कहीं चीज जगह पूछा भी जाता है तो वही यूज कर दिया जाएगा ठीक है अच्छा ये बताओ 10 माइनस 2 फाइनल माइनस इनिशियल और बाई 2 अगर आप इसमें ये भी लिख सकते हैं एक्सीलरेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन पर समझ में आ गई तब फिर वही उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा फिर वो स्पीड हो जाएगा सीधा अगर उसी लाइन में चलो तब तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो जाते हैं ना अच्छा ये बताओ तो बोलो कितने समय में वो चल रहा है v माइनस यू बाई टी टी कितना समय लगा देखो 4 सेकंड तो ऊपर कितना आया 8 बाई 4 तो कितना आ गया श्रेया बताओ एक्सेलरेशन 2 चलो कोई बात नहीं कनिष्का बता देंगे
ये कनिष्ठ आप बता दो मेरे 2 kg के 2 दर्जन हमें पता ही नहीं चल पा रहा है। हाँ 2 मीटर स्क्वायर, इतनी धीमे स्क्वायर बोल रहे हो ना, हमारे तक स्क्वायर पहुंच ही नहीं पा रहा। तो दैट इज 2, क्योंकि ऊपर क्या है बताओ, ऊपर है मीटर पर सेकंड और नीचे क्या है बोलो 4 सेकंड। तो अब आगे क्या होगा बोलो, 8/4 आया और ये सेकंड भी ऊपर चला गया कि नहीं, तो बोलो क्या हो जाएगा, बोलो बात सही है, तो फिर क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब समझ जाएगा, तो इन्हीं में यूनिट छिपी है, आप उसको मैनिपुलेट करें। अभी तीसरा क्वेश्चन देखो 7, तो 7th क्वेश्चन में कहा जा रहा है बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट और हाफ एन आवर के बाद उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो दैट इज आपको क्या बताना है एवरेज स्पीड। दिव्या इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी? अब जो व्यू आप हमें बता दीजिए कितनी होगी, 40 into 2 आपको पता नहीं चल पा रहा है, नोएल आप बता दो सर, 80 किलोमीटर आवर। अच्छा चल 40 से 80 कितनी अच्छी बात है, बड़ी बात है। हाँ सर 0 + 40 किलोमीटर पर आवर अपॉन 2, तो कितना हुआ सर, कितना 40 किलोमीटर पर आवर अपॉन 2 हुआ 20 किलोमीटर, तो 40 बता रहे। सो एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला है, U प्लस अगर वो रेस्ट से चला है तो U कितना है बताइए, 0 किलोमीटर पर आवर। और बताइए फाइनली उसने कितनी अटेन कर ली, तो यहाँ पर इसे 0 लिखी है और इसे 40 लिखी है और ये चीज क्या कहलाएगी, क्या किलोमीटर पर आवर, और नीचे क्या है बोलो 2 है, उसे तो कोई मतलब नहीं, वो तो फार्मूले का 2 है, उसकी तो कोई यूनिट नहीं ना। तो मीन जैसा नहीं होता दो चीजों का सम करके हाफ कर दिया, तो मीन वैल्यू आ जाता है। अब कितना आ गया बताओ 40/2, तो दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। अब आगे बात कही जा रही है एक्सीलरेशन की, तो एक्सीलरेशन का नोएल क्या फार्मूला है बोलो, सही है। सो इसका बी पार्ट देखो, एक्सीलरेशन इज वी माइनस यू बाई टी, वी कितना है 40 और टाइम कितना है हाफ एन आवर, हाफ एन आवर को क्या 0.5 आवर लिखेंगे, है ना, तो ये आवर हो गया। आप चाहे तो लिख लें, अगर याद ना हो नहीं तो किलोमीटर पर आवर तो ये है और ये क्या आवर है, तो क्या हो जाएगा बताओ 40/0.5 है, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हुआ। अब ये 0.5 पर क्या करो, आप पूछो कहां से पूछते हो, मैं फिर से बताऊंगा कहीं से नहीं, इतनी बात समझ आई, 40 - 0 क्या, ये 0.5, ये डेसिमल हटा के 0 कर दिया। हाँ बोलिए, शुरू से समझो कि एवरेज स्पीड क्या होता है, यू प्लस वी बाई टू। तो क्या ऑब्जेक्ट जो बस है वो रेस्ट से चल रही है, देखो, और अगर रेस्ट से चलेगी यानी उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, 0 है, और फाइनली उसने क्या स्पीड अटेन कर ली, तो फाइनल 40 माना जाए। और ये फार्मूला जो यहाँ लगा था वही यहाँ लगा है, तो एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला, यू प्लस वी बाई टू, तो 0 + 40/2 कर दिया कि नहीं, ऊपर किलोमीटर पर आवर तो उसी पर आएगी, स्पीड तो किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड में होती है। यहाँ तक बात खत्म हो गई, अब आती है एक्सीलरेशन की बारी। एक्सीलरेशन क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, जैसा नोएल ने बताया। तो टाइम कितना है हाफ एन आवर, हाफ एन आवर को क्या लिख सकते हो, क्योंकि 1/2 को 0.5 भी लिख सकते हो ना, तो ये 0.5 का पॉइंट हटा के उसमें ऊपर कर दिया तो कितना आ गया। अब बोलिए ये चीज हो गई, अब हमें क्या चाहिए बोलो, एक्सीलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बात समझ आई, किसमें चाहिए, अभी किसमें है, तो ये है 80 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर है क्या, यही तो है, इसको बदलना पड़ेगा कि नहीं,
तो इसे लिखो 80 इंटू 1 किलोमीटर और अपॉन 1 आवर इंटू 1 आवर। बोलो तो यहां अलग यूनिट है, अब स्क्वायर है तो 2h है, तो बोलो 1 किलोमीटर को क्या लिखा जाए, 1000 मीटर और 1 घंटे को क्या लिखा जाए, और दूसरे घंटे को क्या लिखा जाए। बात समझाई, एक होता है मीटर पर सेकंड, एक है स्पीड को बदलना और एक किसको बदलना है, एक्सीलरेशन को। तो जितनी यूनिट्स होंगी सभी को बदला जाएगा कि नहीं। 1 किलोमीटर को किसमें बदला, 1000 मीटर, और 1 आवर को किसमें बदला, 36 और दूसरे आवर को भी तो बदला क्योंकि यहाँ 2 आवर है, समझ में आ गई बात। और वेलोसिटी होती तब 1 आवर होता, तब तो 5/18 से भी चलता। अब देखो 1 जीरो गया, 2 जीरो गया, 2 जीरो चले गए, अब क्या ये भी 2 जीरो है, उनसे ये 2 जीरो गए। बोलो बात समझ में, ऊपर 4 जीरो है, नीचे भी 4 जीरो है, सब चले गए। 4 से कट करो तो बोलो 4 से कट करोगे तो 4 2 जाए, तो यहाँ 4 9 जा, अब इसको 2 से जरा इसे कट करो तो कितना आया, 2 1 2 और फिर 2 8 16 सही है। तो ऊपर सब कट गया और नीचे कितना आया, 18 9 जा कितना होता है क्या, 162। और ये किसमें बदल गया, ये मीटर है और 2 सेकंड मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलो आप हाँ वो ये चीज देखते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो आवर है ना नीचे इतना घंटे का, वही आवर जब -1 में चला गया तो यार है ये जो पॉइंट था ना, तो वो पॉइंट का हमने क्या किया, 40 - 0 क्या 40 है और नीचे 0.5 है। तो आप चाहे तो पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दें, और नहीं ऐसा करना चाहते हैं तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई नीचे, क्या चीज आपको ज्यादा पसंद आती है, वो कर सकते हैं। और फिर 80 आ गया, बोलो समझ में आ गई। और पूछो कोई, हाँ पूछो, फिफ्थ पूछो। फिफ्थ में क्या बताया गया है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, बोलो 16। तो पहले 16 मीटर वो कितनी देर में चला, 4 सेकंड, और दूसरे 16 मीटर 2 सेकंड में, तो टोटल डिस्टेंस कितनी चली, 16 मीटर और प्लस, तो क्या 32 मीटर चला, और टोटल टाइम कितना लिया, 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड, तो क्या ये 6 सेकंड हुआ। और एवरेज स्पीड का कनिष्ठा फार्मूला बताओ, वो सब तो ऐसा तो कोई फार्मूला है, पहली बात होता नहीं है, वी माइनस यू बाई टी तो कुछ होता ही नहीं। एक होता है वी माइनस यू बाई टी, ये एक्सीलरेशन का है, और एक यू प्लस वी अपॉन टू, ये है एवरेज वेलोसिटी स्पीड का, या वेलोसिटी। तो आप कौन सा बताना चाहते हैं, इसके अलावा भी ये बताना चाहते हैं, तो आप इन दोनों में से मत बताओ, आप बताओ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, इन दोनों में से कोई नहीं लगेगा, एक्सेलरेशन तो बताना ही नहीं है, और कोई उसकी स्पीड ऐसा नहीं है कि शुरू में इतनी थी, तो कोई स्पीड दी ही नहीं है, तो आप क्या बताओगे, स्पीड इसमें दी है कि शुरू में इससे चल रहा था, तो डिस्टेंस दी है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस कितना चली हो। मान लो तुम यहाँ से कहीं गई उदयपुर, उदयपुर से कहीं और चली गई जयपुर, तो टोटल कितना चली हो, कितने घंटे में चली हो, डिवाइड करो हर घंटे में कितना चली हो, पता नहीं चल जाएगा। तो मान लो तुम 900 किलोमीटर चली और तुमने 10 घंटे ले लिए, तो एक घंटे में कितना चली होगी, बोलो 900 किलोमीटर तुम चली हो, 90 किलोमीटर पर आवर में 90 किलोमीटर 90 किलोमीटर चले कि नहीं। तो अब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितनी है, देखिए 32 ये, और टोटल टाइम कितना है 6 सेकंड, तो इनको कट करो 1 6 और 2 से इसको भी कट करो, तो 16/3 मीटर पर सेकंड हो गया, और इसको कट करोगे तो 5.33 मीटर पर सेकंड। बोलो बात समझ में आ गई,
सिक्स वाला कौन सा है? सिक्स में मान लो उसकी 2 मीटर पर सेकंड फाइनल कितनी है? 10 है, तो इससे इन दोनों से निकाल लो, ए क्या हुआ बताओ और बी क्या हुआ? 6 देख लीजिए, तो आपसे ए क्या पूछा जा रहा है? बोलो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है? U प्लस, तो शुरुआती स्पीड कितनी थी? 2 मीटर पर सेकंड और फाइनल कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड और कितनी हो गई? सही है, बोलो। अच्छा अब और क्या है? 2 था इनिशियल स्पीड इज 2 और फाइनल 10 प्लस 2 है 2। अब एक्सीलरेशन पूछ रहा है क्या? एक्सीलरेशन का क्या फार्मूला होता है? बी माइनस यू बाई 2, तो 12 मीटर पर सेकेंड माइनस और अपॉन टी है क्या? कितना कितना टाइम लिया? 0.5 4 सेकेंड, तो ऊपर जरा करो तो 10 मीटर पर सेकेंड और ऊपर नीचे 4 सेकंड, सेकंड ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा? ये ऐसा ही था क्या? ये 10 मीटर पर सेकंड, इसको क्या लिखें? 10 और 10 में से 2 गया तो कितना हुआ? 8 by 4, तो क्या हुआ? ये देखो सेकंड ऊपर चला गया, सही है। जो 2 किलोमीटर है सी ना, तो दो आवर है, तो दोनों की जगह 1 आवर में 3600 सेकंड होता है, तो और दूसरे आवर की 3600, फिर आप उसे कैंसिल कर दें। किलोमीटर की जगह 1000 मीटर लिखें और दोनों आवर की जगह इंडिविजुअली 3600 सेकंड ठीक है। टीम है कि इतना उसने स्पीड चेंज किया और टाइम कितना लिया? हाफ एन आवर, जब 0.5 1/2 कितना हो गया? 0.5, तो चाहे आप हाफ लिख लो चाहे 0.5 लिख लो, अभी बता रहा हूँ ठीक है, फिर उससे डिवाइड करो। ये देखो ये फार्मूला तो पता चल गया ना आपको, यहाँ तक ठीक है। तो ये मुझे बताओ यहाँ पर शुरू में डस्ट से बाद में 40 हो गया, तो 40 माइनस 0 हो गया, बोलो 40 किलोमीटर और माइनस, और इसमें किससे डिवाइड करेंगे? क्या हाफ आवर से? इतनी बात समझ आ गई? हाफ आवर है जब इनटू, जब डिवीजन को इनटू में बदलोगे तो क्या हो जाएगा? तो वो 2 में बदल जाएगा, तो फिर वो चीज क्या हो जाएगा? ये स्पीड है, तो स्पीड किसमें होती है बोलो? किलोमीटर पर आवर माइनस 0 किलोमीटर पर आवर, और इसमें किससे डिवाइड किया? हाफ आवर से। इतनी बात समझ में आ गई? हाफ आवर है तो 40 माइनस 0 क्या हुआ? 40 और डिवाइडेड बाई हाफ, और ये किलोमीटर पर आवर ऊपर लिखो और नीचे क्या लिखो? आवर। इतनी बात समझ आ गई? तो आवर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? पर स्क्वायर हो जाएगा, और ये 40 है, 40 में डिवाइड हाफ से कर दो और वहां जो यूनिट है उसको एक साथ लिख लो। बोलो ये बात समझ आई? हाफ को क्या करोगे? तो ये चीज कितनी हो गई? 80 किलोमीटर पर आवर। ऐसे कई तरीके से ऐसे भी कर सकते हो ना, ये तो कर लिया, सब वैल्यू डाल दी, हाफ यही रहने दिया, यूनिट यूनिट को अलग कर लिया, यूनिट ऊपर चली गई,
हाफ को पलट दिया इनटू लगा कई तरीके। ओके स्टार्ट करें।